फ्रेंड्स, आपका स्वागत है राधा रेस्टोरेंट में। और आज मैं बनाने जा रही हूँ गार्लिक पाउडर, जो बहुत चीज़ों में उपयोग में आ जाता है। जैसे गार्लिक ब्रेड बनाना है आपको, या पिज़्ज़ा में भी डालना है, या आपको सैंडविच में भी डाल सकते हैं। आपके घर में लहसुन ख़त्म हो गया है तो आप उस पाउडर को सब्जी में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गार्लिक पाउडर बनाने के लिए मैं सबसे पहले गार्लिक को छीलना होगा, और आप चाहो तो बगैर छिला भी बना सकती हैं, लेकिन छीलने का मैं बिल्कुल सरल तरीका बताऊंगी आपको। तो इसमें करना क्या है कि पीसेस को उसको पानी में भिंगो के और प्लेट में रख दीजिए 5 से 10 मिनट के लिए, तो बहुत आसानी से छिल जाता है। या फिर इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के रख देना तो भी बहुत आसानी से छिल जाता है। तो हमें अब पाउडर बनाते हैं इसका। तो ये तो मैंने लहसुन का टिप्स बताया आपको, बहुत सरल तरीके से छिल जाएगा। ये मैंने लहसुन छील के रख लिया है पहले से, अगर आप चाहो तो बगैर छिला भी यूज कर सकते हैं पाउडर में। तो मैंने ये 100 ग्राम लहसुन छील के रख लिया है। अब इसको हम ग्राइंड करेंगे। इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं मिक्सी में। देखिए मैंने लहसुन अच्छे से पीस लिया है, देखिए इस तरह का पेस्ट हो गया। मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला है, बिल्कुल पूरे लहसुन अकेला पीसा है। अब इसको एक प्लेट में हम निकाल देते हैं। देखिए लहसुन का पेस्ट मैंने बना लिया है और ये तैयार हो गया लहसुन का पेस्ट। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह एक कपड़ा लेना है, और एक कोई सा भी कपड़ा बिछा लीजिए, एक कोई ट्रे ले लें या प्लेट ले लें, कोई से भी बर्तन ले लें, और उसमें एक कपड़ा बिछा दें कॉटन का। और कॉटन के कपड़े के ऊपर हम इस तरह, जैसे मंगोड़ियाँ लगाती है ना, इस तरह बड़ी लगाती है ना, इस तरह हम रख देंगे। अभी 2 से 3 दिन हमें इसको धूप में रखना है, और इसके बाद हम पाउडर बनाएंगे इसका। देखिए लहसुन सूखते हुए 2 दिन हो चुके हैं, और देखिए किस तरह सूख गया, बिल्कुल अच्छे से सूख गया। ये देखो बिल्कुल कड़क सा हो, क्योंकि गर्मी का सीजन है तो थोड़ी तेज धूप है, इसलिए 2 दिन में ही कंप्लीट हो गया। अगर सर्दियों का दिन होता थोड़ा टाइम लगता। तो देखिए ये बहुत ही अच्छे से सूख गया, बिल्कुल क्रंची सा हो गया है। अब इसको बिल्कुल सूखे जार में पीसेंगे, और हमें बिल्कुल गीला जार नहीं रखना है, और जो मसाले वाला जार होता है वो हम उसमें पीसेंगे, छोटे वाले जार में बहुत जल्दी पिस जाता है। तो इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं, और एक एयर टाइट बोतल में या किसी भी कांच के बोतल में आप इसको भर के रख सकते हैं, 1 महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में रख के। अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए लहसुन का पाउडर तैयार हो गया है, और ये देखिए बहुत ही अच्छा सा मैंने पीस रखा है इसको। देखिए आपको बस गीली चम्मच नहीं डालना है इसमें, अगर आप जैसे यूज करो तो बिल्कुल सूखी चम्मच डालें, नहीं तो होगा क्या, ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाएगा, थोड़ा गीला गीला हो जाएगा ना, इसलिए हमें सूखी चम्मच ही यूज करना है इसमें। देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल देते हैं, और इसके बाद हम एक एयर टाइट कांच के बोतल में इसको भर के रख देंगे, ताकि इसमें कोई शीलन नहीं आए, और फ्रिज में हम 1 महीने तक इसको स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए गार्लिक पाउडर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, और आप इसको किसी चीज़ में भी यूज कर सकते हैं, सब्जी में भी कर सकते हैं यूज, और आप गार्लिक ब्रेड बना रहे हो उसमें भी कर सकते हैं, पिज़्ज़ा में भी कर सकते हैं, आप किसी में भी इसको यूज कर सकते हैं। पर आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, एक तो आप गीली चम्मच यूज ना करें इसमें, और एयर टाइट डिब्बे में इसको भर के फ्रिज में रख दें तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, और 1 महीने तक आप स्टोर कर सकते हैं आप इसको। तो ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।